फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल ए टू जेड में। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ दोस्तों एक पर्स ऑफिस वियर जो बहुत ही सुंदर है। आप भी इसे आसानी से बना सकते हो दोस्तों, इसलिए मैं इसे आप तक वीडियो पहुँचाऊँगी। आप भी वीडियो को शेयर करना दोस्तों, लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और नए नए पर्स इसी तरह से बनाते रहिए, देखते रहिए। देखिए ये इस तरह का है पर्स ये, और मैंने दोस्तों ये पर्स है इसमें 3 जीपर लगा के तैयार किया है इस तरह से, ये देखिए। और इंटर पॉकेट भी मैंने बनाया है जिसमें कोई भी सामान सेट करके इसको लॉक कर देंगे। इसी तरह हमने ये पॉकेट, ये भी बहुत बड़ा है, इसमें भी कोई भी सामान हम सेट करके लॉक कर देंगे। इसमें भी हम कोई भी सामान सेट करके इसको भी हम लॉक कर देंगे। इस तरह से हमारा 3 पॉकेट बन गए। अभी ये जो ऊपर वाला है जो मिनी पॉकेट है दोस्तों, और पीछे की साइड में भी एक पॉकेट मैंने तैयार किया है। इस तरह से हमारा ये पर्स ऑफिस वेयर पर्स बन के बहुत ही सुंदर तैयार हो जाता है दोस्तों। तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने ये बेल्ट ली है जो 25 इंच की है दोस्तों, और ये मैंने जिपर ली है विद रनर वाली प्लास्टिक की जिपर लगाई है, 8 इंच की है, और ये 11 11 इंच की है, 3 जिपर है, और ये रनर है 3, और ये डी मैंने लिए हैं, ये 4th डी, एक मैग्नेट बटन लिया है मैंने, और ब्रासो लिया है जो हम पॉकेट के ऊपर लगाएंगे, और ये मैंने 10x5 का एक पीस लिया है। ये दोस्तों यूरोप फैब्रिक है, और ये मैंने एक उल्टन पीस लिया है जिस पे रबर सीट लगा के कुल्ट कर दिया है। इसकी 5 इंच विड्थ है, और ये लंबाई है इसकी 11 इंच, इसकी 11 इंच लंबाई है। मैंने 6 पट्टियाँ ली है जिसको हमने कुल्ट कर दिया है, 1.5 इंच की है चौड़ाई इसकी, और लंबाई 11 इंच की है। इस तरह से ये हमने एक 16x8 इंच का एक लाइनिंग पीस लिया है, और ये मैंने 8x8 के 2 लाइनिंग पीस लिए हैं, और ये मैंने 14x10 का ये पीस लिया है। इस तरह से हमने 2 3 4 5 6 पीस लिए हैं, और एक के ऊपर हमने ये पॉकेट लगा के तैयार किया है। हम दिखाएंगे आगे दोस्तों पॉकेट कैसे लगाते हैं। इस तरह से मैंने ये बड़ा 14 इंच और 25 इंच का लंबा ये मैंने एक कुल्टन पीस तैयार किया है दोस्तों। इस तरह का 14 इंच की इसकी चौड़ाई है। इस तरह से हम अब इसको 1.5 इंच मार्क लगाते हुए दोनों तरफ 1.5 इंच का मार्क लगा देंगे। यहाँ से हम 10 इंच का मार्क लगाएंगे, और यहाँ पे भी इधर 1.5 इंच का मार्क लगाएंगे 10 इंच का। अब इसे हम इस तरह क्रॉस में मार्क लगा देंगे। दोनों तरफ इस तरह से मार्क लगा देंगे। अब हम इसे कट कर देंगे। हम चारों तरफ से इस तरह से हमें कट कर लेना है। इसे हम स्टिच कर देंगे चारों तरफ से दोस्तों। मैंने रबर सीट लगा के इसको फोल्ड किया है, इसलिए अब इसको हम सेट करते हुए सिलाई कर देंगे। अब देखिए हम 16x8 का 8x16 का एक लाइनिंग पीस लेके उस पे सेंटर बिंदु लगा देंगे, और फिर 7 इंच का एक बॉक्स तैयार करेंगे।
इस तरह से 7 इंच का बॉक्स तैयार कर लेंगे हम। और बीच में एक लाइन लगा देंगे मार्क करते हुए, और यहाँ से हम 3 इंच का एक मार्क लगा देंगे। दोनों को बीचों बीच में 2 इंच का मार्जिन रखते हुए हम इसको सेट कर देंगे, पिन अप कर देंगे। इस तरह से क्रॉस पे कर देंगे। अब इस पे स्टिच लगा देंगे हम, जहाँ हमने बॉक्स बनाया है वहाँ हम स्टिच कर देंगे। अब हम बीच में जो हमारा एक हमने मार्क लगाया था उसे हम बीच में से थोड़ा सा कट करके उसे कट कर देंगे इस तरह से। इसको इस तरह से पूरा कट कर देंगे। और साइड से क्रॉस में कट करेंगे। अब हम इसको पलट लेंगे अच्छे से बराबर करके सेट करते हुए, और जिपर लेंगे। अब इसे इस तरह से सेट करेंगे उल्टी साइड, और पिनअप लगा देंगे। इसको सेट करते हुए हम इस पे सिलाई लगा देंगे पूरी राउंड से, और पिन अप करते हुए। हमें उसके ऊपर पूरा स्टिच कर लेना है। अब इस तरह से अब हम इसे इस तरह से सेट करते हुए इसे स्टिच कर देंगे पूरा। मैंने इसे स्टिच करके सेट कर दिया। इस तरह से हमारा ये पॉकेट बनके तैयार हो चुका है। ये देखिए, अब हम इस तरफ पॉकेट तैयार करेंगे। यहाँ पे भी हम 3 इंच डाउन करेंगे। 3 इंच पे डाउन करते हुए हम ये फैब्रिक लेंगे 8x8 इंच का, बीच में मार्क लगा देंगे, कट कर देंगे उसको बीच में सेंटर बिंदु लेते हुए, और 1 इंच डाउन करेंगे। और इस पर हम बॉक्स बना देंगे, 1 इंच का बॉक्स बनाएंगे, और फिर उसे कर्व दे देंगे गोलाई में। इस तरह से बॉक्स बन गया, इसको थोड़ी गोलाई देंगे नीचे से हम।
सेंटर बिंदु से 2 इंच नीचे इसको सेट करते हुए पिन अप प्लग कर देंगे। इस तरह से सेट करेंगे, 2 इंच डाउन, और यहाँ पे पूरा राउंड से स्टिच कर देंगे पिन अप करके। इस तरह से हम अब इसको कट कर देंगे। बीच में से जैसे गोलाई हमें स्टिच किया है वैसे वैसे हम इसको कट कर देंगे। कोने पे थोड़ा मार्क लगाते कट करते हुए इसको 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए हम इसको बीच से कट कर देंगे। इस तरह से कटक लगा देंगे हल्का हल्का सा इस तरह से गोलाई पर। अब हम इसको पलट लेंगे। इस तरह सेट करते हुए पिन अप करते हुए हम इसे पिन अप करते हुए स्टिच कर देंगे। इस तरह से हमने इसे पूरा राउंड स्टिच कर लिया है। अब हम पिन अप को निकाल लेंगे। इस तरह से सेट करते हुए दूसरा पीसेस लेके चारों तरफ राउंड से हम उसे स्टिच कर देंगे। दूसरे लाइनिंग को इसके ऊपर अटैच कर लेंगे। इस तरह से अब हम ये 10x5 का सेंटर बिंदु ले लेंगे। ये फैब्रिक लेते हुए इसे हम सेंटर बिंदु ले लेंगे और इस पे हम गोलाई दे देंगे 1/2 इंच की गोलाई। इस तरह से अब हम इसको फोल्ड कर देंगे। अब हम 1.5 इंच पे डाउन करते हुए एक सेंटर बिंदु से मार्क लगाते हुए हम ब्रासों को इस तरह से सेट कर देंगे। प्रेस करते हुए इसको तो इस तरह से इसे हम सेट कर दिया। अब हम मैग्नेट बटन लेंगे और उसका ऊपर का जो मैग्नेट बटन जो पोस्ट है उसे हम 1.5 इंच की सेंटर बिंदु पर 1.5 इंच लगा के इसको हम प्रेस करते हुए इसको भी
सेट कर देंगे इस तरह से, इस तरह से। ये हमारा सेट हो चुका है। अब हम इसको इस तरह से पलट लेंगे। अब सेंटर बिंदु को मिलाते हुए पूरा स्टिच लगा देंगे गोलाई में। इस तरह से गोलाई में स्टिच लगा देंगे। और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। गोलाई पे थोड़े थोड़े कट लगा देंगे इस तरह से। अब पीच में से हम इसको कट कर देंगे और हम इसे पलट लेंगे। इस तरह से हमें अच्छे से उसको पलट लेना है और सेट करते हुए इस पे सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने इस पे दाब सिलाई लगा दी है। अब हम ये हमारा मेन फैब्रिक जो हमने कट किया था उसको लेते हैं, इसका सेंटर बिंदु लगा लेंगे। अब इसको इस तरह से 1 इंच का मार्जिन रखते हुए इसको हम पिन अप कर देंगे सेंटर बिंदु लेते हुए। अब हम यहाँ पर स्टिच लगा देंगे इस तरह से। अब हम इसको पलट कर इसके ऊपर हम पिनअप निकालते हुए इसको हम इस तरह दाब सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर। इस तरह से हमारा पॉकेट तैयार हो चुका है। देखिए अब हम यहाँ पे मैग्नेट बटन लगा देंगे सेंटर बिंदु लेते हुए इस तरह से। इस तरह से लगाएंगे हम थोड़ा ऊपर करते हुए। मैग्नेट बटन को सेट कर लेंगे यहाँ पर। प्रेस करते हुए इस तरह से ये हमारा सेट हो चुका है पॉकेट इस तरह से। दोनों पॉकेट तैयार है। अब हम इसका सेंटर बिंदु ले लेंगे सेट करते हुए इस तरह से। सेट करते हुए ये सेट है। अब हम ये हमने 5x11 इंच का जो लिया था हमने 5 इंच और 11 इंच का जो इसको हम गोलाई देंगे आधा इंच की और सेंटर बिंदु ले लेंगे। इस पे भी हम ऐसा ही करेंगे। इसके बराबर हम सेंटर बिंदु लेते हुए इसको भी हम गोलाई दे देंगे। अब हम इन दोनों को यहाँ पे सेंटर बिंदु ले लेंगे इस तरह से। सेंटर बिंदु लेते हुए इसको यहाँ से ऐसे ऐसे करते हुए इसको हम स्टिच कर देंगे पूरा इस तरह से।
इस तरह से हम दोनों तरफ इसी तरह से स्टिच कर लेने का है। ऐसे ही इस तरफ भी करेंगे। इस जैसे हमने इस तरफ किया वैसे उस तरफ भी हम कर लेंगे। सेंटर बिंदु पे रखते हुए इसको इसी तरह स्टिच कर लेंगे। इस तरह हमने दोनों तरफ से इसको स्टिच कर दिया है। अब इसको हम पलट के सेट कर देंगे। इस तरह से पलट लिया है हमने इसको। अब हम इस पे 3 इंच की बेल्ट लेके डी लेके उस पे सेट कर देंगे। दोस्तों इससे पहले हम इस पे कट लगा देंगे बराबर का सेंटर बिंदु करके। इस पे कट लगा देंगे और इस तरह से इस दोनों का सेंटर बिंदु लेंगे जो हमने कट किया उसका, और जो हमारा फैब्रिक लगा उसका सेंटर बिंदु लेंगे। इस तरह से इन दोनों का सेंटर बिंदु, इस तरह से इनको मिलाते हुए बीच से सेंटर बिंदु लेंगे, फिर इन दोनों को मिलाते हुए इसका सेंटर बिंदु लेंगे इस तरह से, फिर उन दोनों को मिलाते हुए इस तरह से इन दोनों का सेंटर बिंदु ले लेंगे इस तरह। ऐसे ही तो हमारे 3 सेंटर बिंदु हो चुके हैं, दोनों तरफ हमने कर लिया है। और इस तरह से अब हम ये 14x10 इंच का दोनों लाइनिंग फैब्रिक लेंगे। अब इस पे हम 1.5 इंच का मार्क्स लगा देंगे और यहाँ से हम इसको तिरछा कर देंगे इस तरह से 1.5 इंच का, और इस तरह से हम इसको कट कर देंगे। इस तरह से मार्क लगाते हुए इसको कट कर देंगे। अब हम जीपर लेंगे, 11 इंच की जीपर लेंगे। अब जीपर को इसके ऊपर इस तरह से सीधा सेट करते हुए जीपर को हम अटैच कर लेंगे। इस तरह से हम स्टिच कर देंगे। दूसरा भी इसी तरह से हम इसके ऊपर सेट करते हुए स्टिच कर देंगे इस तरह से। अब देखिए इस तरह से हमारा उल्टी साइड है। अब ये इस तरह से लगा देंगे हम। ये इस तरह से हम ये 11 इंच की जो हमने बेल्ट है वो इस तरह से हम उसको सेट करते हुए जिपर के ऊपर लगा देंगे। हमें तीनों जो हमने 6 जो लाइनिंग फैब्रिक लिए थे दोस्तों उसको इसी तरह से हमें बेल्ट लगा के सेट कर लेने का। इस तरह से हमें ये अब दूसरा हम लेंगे 11 इंच का, और इसको भी इसी तरह से हम उसको ऊपर सेट कर लेंगे। ये देखिए अब हम इस पर इस तरह दाब सिलाई लगाएंगे दोनों तरफ। इस तरह से हमने दाब सिलाई लगा दी है। अब हम
इस तरह से सेट कर लेंगे इसको और स्टिच करेंगे। इससे पहले स्टिच कर लेंगे। अब हम रनर लेंगे, ये हमने कर दिया है स्टिच। अब हम रनर लगा देंगे इस पे जिपर पे इस तरह से एक तरफ से सेट करते हुए फिर दूसरी तरफ से डाल देंगे हम इसे और अच्छे से खींच के इसको। इस तरह से हमने ये रनर लगा दिया है। अब हम ये देखिए सेट हो गया है। अब हम यहाँ से भी स्टिच कर देंगे, इसको लॉक कर देंगे। इसको भी हमने कर दिया है सेट। ये देखिए ये हमारा सेट हो चुका है। अब दोस्तों इसी तरह हमें ये जो हमने तैयार किया है उसी तरह हमें तीनों फैब्रिकों को लाइनिंग को इस तरह से सेट करना है। तो अब हम ये ले लेते हैं। इसके ऊपर हमने देखिए डी लगा दी है, 3 इंच की बेल्ट लेके डी लगा दी है। अब हम इसको लाइनिंग बोलेंगे जो हमने तैयार किया था। ये देखिए ये तीनों हमने तैयार किए इसी तरह से। रनर सब पे हमने सेट कर दिया है इस तरह से। अब हम एक लाइनिंग लेंगे जिस पे बेल्ट लगी हुई है जिपर वाला, इसके अंदर डाल देंगे इस तरह से। अंदर डालते हुए हम इसको पकड़ के इस तरह से सेट करेंगे जहाँ से हमारा ये जॉइंट है। जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए हम इसको इस तरह से स्टिच कर देंगे साइड की तरफ से। इस तरह से इसको हमने लगा दिया है, ये जॉइंट से जॉइंट मिला दिया, हम स्टिच कर देंगे पूरा। इस तरह से दोस्तों हमारा ये स्टिच हो चुका है। अब हम इस लाइनिंग को यहाँ से यहाँ तक जो कट था वहाँ से हमने कर लिया। अब इस लाइनिंग को हम अंदर की तरफ कर देंगे इस तरह सेट करते हुए। अंदर सेट कर लेंगे हम। अब हम दूसरा लाइनिंग लेंगे, जिपर वाला लाइनिंग लेंगे हम दूसरा। अब इसको इसके अंदर सेट कर देंगे इस तरह से जैसे हमने पहले किया था, इस तरह से ही किया था। अब हम जॉइंट से जॉइंट मिला लेंगे जो हमने कट लगाया था, उस कट से इसको मिला लेंगे इस तरह से। दूसरे कट, पहले कट पे तो हमने एक लाइनिंग किया था, अब दूसरे वाले कट पे इस तरह से इसको मिला लेंगे और पिन अप कर देंगे सेट करते हुए। अब हम इसको सेट करते हुए राउंड बाय राउंड जहाँ से हमारा कट स्टार्ट होता है वहाँ से हम वहाँ तक इसको स्टिच कर लेंगे।
तो इस तरह हमने राउंड से स्टिच करके अब इस लाइनिंग को भी हम अंदर की तरफ सेट कर लेंगे इस तरह। देखिए अब हम तीसरा लाइनिंग लेंगे और उसका पॉकेट है, पॉकेट को हम नीचे की तरफ रखेंगे और इस तरह सेंटर बिंदु मिला लेंगे। और सेंटर बिंदु को मिलाते हुए अब हमारा जो कट था उस कट से लेकर हम उसको पिन अप करते हुए उसको स्टिच कर देंगे। ये हमारा स्टिच हो चुका है, अब इस लाइनिंग को भी अंदर की तरफ सेट कर देंगे अच्छे से। एक बार इसको अंदर की तरफ अच्छे से सेट कर लेंगे। अब देखिए ये जो हमने अच्छे से अंदर की तरफ सेट कर लिया है इस तरह से, अब हम यहाँ पे दाब सिलाई लगा देंगे पूरी राउंड इस तरह से, राउंड बाय राउंड इस तरह से पूरा हम फिनिश कर देंगे इसको दाब सिलाई लगा लगकर इस तरह से दाब सिलाई लगाते हुए। इस तरह से दोस्तों हमने दाब सिलाई फिनिश कर दी है, अब हम इस लाइनिंग को बार कर देंगे इस तरह से सेट करते हुए। देखिए सेट हो चुका है हमारा, अब हम लाइनिंग को बार निकाल देंगे इस तरह से। अब इसको हम फोल्ड करते हुए इसे स्टिच कर देंगे पूरा इस तरह से, फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ और हम इसे पूरा स्टिच कर लेंगे।